बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाना सीखेंगे ओवरलैप गला, ठीक है। उसे हम चाइनीज कॉलर भी कहते हैं, उसे हम तलपट गला भी कहते हैं, उसे हम 81 गला भी कहते हैं, ठीक है। जो जिस नाम से जानता है, हम जब मैं आपको बनाऊंगी उसकी शेप मालूम होगी तो आपको आई होप अच्छे से आइडिया हो जाएगा। उसकी मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊँगी और इस तरह बताऊंगी कि बहुत आसान वाला बताऊंगी, ज़्यादा मैं आपको उलझाऊंगी नहीं, क्योंकि जो लोग नए हैं उन्हें नहीं समझ में आता कि हमें इसको तले ऊपर किस तरह रखना है, इसकी क्या कटिंग है, क्या स्टिचिंग है। तो मैं आपको किसी चीज़ में नहीं उलझाऊंगी, मैं आपको फौरी झटपट वाला तैयार करके बताऊंगी। तो हम कटिंग और स्टिचिंग दोनों साथ साथ करेंगे। उससे पहले हमें आपको बता दूँ कि ये है वो बॉर्डर पट्टी जो मैं यूज़ करूँगी अपने चाइनीज़ कॉलर में। आपके पास कोई भी पट्टी हो, बॉर्डर पट्टी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको फ़िलहाल करेंगे साइड, क्योंकि मैंने बॉर्डर पट्टी ले ली है, तैयार कर लिया है। तो ये है वो बॉर्डर पट्टी जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई है, और इसके आगे मैंने लगाई है ऑर्गेंजा नेट। मैंने इसमें यूज़ किया है ऑर्गेंजा टिश्यू, इसको मतलब खूबसूरत करने के लिए। और इसका जो कैटलॉग है उसमें सेम यही डिज़ाइन है। मैं आपको थोड़ा सा आसान सा करके बता दूँ, मैंने ये तैयार बॉर्डर किया है एक इंच का मैंने तैयार किया है। आधे इंच का मेरा बॉर्डर है, आधे इंच की मेरी फ्रिल है। फ्रिल मेरी ऑर्गेंजा की है, टिश्यू की मैंने फ्रिल इसमें यूज़ की है। आप चाहें तो अपने शलवार का, शर्ट का, जो भी कपड़ा है उसको यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो होती है थोड़ा सा लाइट वेट होती है, थोड़ा थिक नहीं होती, और ये खूबसूरत भी बहुत लगती है। तो ये टोटल मेरा जो बॉर्डर है ये एक इंच का तैयार हो गया है। और मैं आपको इसकी थोड़ा सा लेंथ भी बता देती हूँ, मुझे जो लेंथ चाहिए एक इंच इसकी चौड़ाई है और 41 इंच इसकी लंबाई है, ठीक है। आप चाहे तो 43 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, बढ़ा दें, पर इससे कम नहीं हो, ठीक है। आपने इसकी जो एग्जैक्ट लेंथ लेनी है वो है 41 इंच, आप इससे बढ़ा दें पर इससे कम नहीं हो, ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। और ये है फिनिशिंग पट्टी जिसके साथ मैंने इसे नीट किया है, यानी कि मैंने दोनों के सिरे छुपा दिए हैं, ऑर्गेंजा का भी सिरा छुपा दिया है और बॉर्डर का भी सिरा छुपा दिया है। इसको एक बार फिर प्रेस करके नीट कर लेंगे। और ये बहुत सिंपल है, ऑर्गेंजा को फ्रिल की तरह यूज़ किया है। आप लोग ने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं फ्रिल किस तरह तैयार करती हूँ, तो सेम वही मेथड मैंने यूज़ किया है। और आधे इंच का मैंने इसमें बॉर्डर लगा दिया है, दैट्स इट। मैं आपको झटपट वाला ओवरलैप गला बताऊंगी ताकि आप लोग जब बनाएं आपसे किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक नहीं हो, आप उलझे नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया बॉर्डर, अब हम करेंगे इसकी कटिंग, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये है मेरी शर्ट का फ्रंट साइड और मैंने इसे इस तरह आधो आध करके रखा हुआ है। हमारी कटिंग ही इसी तरह होगी, आपने इसे खोलना नहीं है, जब तक कटिंग नहीं होती आपने इसे आधो आधी रखना है। इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि जो भी झोल सरवट है वो निकल जाए। और एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं, मैं जो इसकी लंबाई रखूंगी, मैं रखूंगी इसकी लंबाई 17 इंच। इसकी जो लंबाई है मैं रखूंगी 17 इंच, तो एक निशान में 17 इंच पर लगाऊंगी। जब हम 17 का डबल करेंगे तो हमारा होगा 34, ये हो गया हमारा 34। और हम इसका यहाँ से जो करेंगे इसको हम फिलहाल साइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने करेंगे 6 इंच, तो इसका हम निशान लगाएंगे 3 पर, ये हो गया हमारा 3 पर निशान। तो 3 का हमारा हो रहा है 6, अब 17 का 34 और 6 इंच आप इसका एक्स्ट्रा निकाल दें, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो रहा है हमारा 40। और मैंने इसको तैयार किया है 41 पर, तो ये हमारा ओवरऑल जो आएगा ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी है, ये वाला जो बॉर्डर है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग, समझ आ गया। मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर दूं, मैंने जो बॉर्डर की ये जो मैंने शर्ट की लंबाई ली है, जो मुझे इसकी लेंथ चाहिए वो है 17 इंच। 17 को हम डबल करेंगे तो ये होगा हमारा 34 इंच, और 34 इंच में 6 इंच हमें एक्स्ट्रा निकालना है। तो इस तरह हम काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, आपका 40 पे आ रहा है, आप 2 3 इंच इसका एक्स्ट्रा कर दें। ये बहुत आसान से आसान काम मैं आपको बस सिखा रही हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं है। एक निशान हम लगाएंगे 6 इंच पर, एक निशान हम लगाएंगे 8 इंच पर, इस तरह। और इस निशान को हम इसके साथ मिला देंगे इस तरह, यह हमारा वी मिल गया है। अब हमारा है बॉर्डर 1 इंच का, तो हम इसका निशान लगाएंगे आधे इंच पर,
इस तरह आधे आधे इंच पर हम मार्क करते जाएंगे और इसको हल्का सा गोलाई कर देंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है, इसके ऊपर हम कट करेंगे, मगर हम बिल्कुल इसके साथ कट नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा अंदर की साइड कट करेंगे, हम इसको इतना कट करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे एक बुकरम का पीस। हम अपनी शर्ट को इस तरह खोलेंगे, वो बुकरम का पीस हम इसलिए लगाएंगे ताकि हम जो कट करेंगे वो हमारा ज़्यादा फैले नहीं। ये लॉन का ड्रेस है, अक्सर इसको जब हम कट करते हैं तो ये इस तरह फैल जाता है, आपका ये जो कट है ये फैलेगा नहीं। आप एक चकोर पीस कट कर लें, ये मैंने लिया है एक चकोर पीस बुकरम का। इसे इस तरह अधोहत करके ये जो मैंने निशान लगाया है इसे हम सेंटर के निशान पर रख के चिपका देंगे। ये कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर नहीं करेंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है, गला आपका फिर भी उसी सफाई के साथ बनेगा। तो अब बुकरम लगा लिया है मैंने, अब मैं करूँगी इसको कट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबने देखा मैंने कितना कम इसका अंदर से कटिंग करा है, क्योंकि ये जितना भी दबाव है जो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा ये हमारा दबाव में चला जाएगा। और इसको थोड़ा सा डार्क करने के लिए हल्का सा गरारी की मदद से निशान लगाएंगे इस तरह, क्योंकि एक साइड तो निशान है, हमें मालूम है कि हमें इतना दबाव लेना है, जो हमारा नीचे वाला साइड है हमें उस पर आइडिया करने के लिए इस तरह हम गरारी की मदद से डार्क कर देंगे। ये लीजिए, ये हमारा निशान शो हो गया। कभी भी आपने इसके बराबर में कटिंग नहीं करनी। तो ये हो गई हमारी कटिंग और ये हो गई हमारा बॉर्डर रेडी, अब हम इसको लगाएंगे। गला रेडी करने से पहले हम जोड़ेंगे इसको इसके फ्रंट वाले पल्ले से, यानी कि इसके कंधों को अटैच करेंगे। मैंने खोला है बैक पल्ला और इस फ्रंट पल्ले को इसके ऊपर रख कर सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक तो बहुत आसान है, आप सब भी बहुत आसानी के साथ कर लेंगे, आगे थोड़ा सा समझना है, वो आप गौर से देखिएगा। इस पॉइंट पर आकर हम इसको इस तरह पकड़ेंगे हल्का सा, बस इस तरह हम इस पर कट लगाएंगे और सेम इसी तरह हम कट इस निशान पर लगाएंगे। तो इस पॉइंट पर आकर जो हमने फ्यूजिंग बुकरम लगाई थी, देखें ये कितना थिक हो गया है। इस एक्स्ट्रा पट्टी को हम इस तरह रखेंगे, ये देखें इस तरह। Thank you.
तो देखिए इस पॉइंट पर आकर हमारी पट्टी मुकम्मल हो गई है, यानी कि इतना ख़त्म हो गई है, एक्स्ट्रा नहीं हुई है। तो अब मैं करूँगी इसको प्रेस और इसको लुक दूँगी 81 की। और आपने देखा मैंने कितनी सफाई के साथ आपको ये गला बनाना सिखाया है, नीचे इसका कोई धागा नहीं है। बाज़ों का ऐसा होता है कि हम इसको रख के जब बनाते हैं तो सारे धागे अंदर से शो होते हैं, मैंने आपको सफाई वाला बनाना सिखाया है। अब जब हम इसे प्रेस करेंगे तो फिर इसकी लुक देखते हैं। तो अब इस पॉइंट पर आकर हम इसको शेप देंगे, ये जो इसका एक्स्ट्रा है इस पट्टी को इस पट्टी के नीचे करेंगे इस तरह हल्के हाथ से। खींचना नहीं है बिल्कुल भी, आपने ज़ोर आजमाई नहीं करनी, क्योंकि ये गला बहुत नाजुक होता है, जब तक ये बिल्कुल रेडी नहीं हो जाता ये बहुत नाजुक होता है। जहाँ आपने इसमें खींचातानी करी आपकी शेप आउट हो जाएगी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक कुछ इस तरह की बनेगी। और अभी मैं इसको करूँगी प्रेस और इसको निशान लगाऊँगी कि मुझे इसका गला कहाँ पर बंद करना है। पहली प्रेस करेंगे हम इसके शोल्डर पर, उसके बाद हम इसको इस तरह शेप देते हुए आएंगे। जैसे जैसे आपकी प्रेस होती जाएगी ये अपनी खूबसूरती खुद ही निकालता जाएगा। अब इस जगह पर आकर तो ये जो हमारा बुकरम है इस बुकरम को हम करेंगे इस तरह नीचे अंदर की तरफ टर्न इस पॉइंट पर आकर इस तरह। अब मैं इसके गले का निशान लगाऊंगी। गले का निशान हमेशा हम इस शोल्डर से लेकर नीचे तक लेकर आएंगे। मुझे इसका निशान चाहिए 8 इंच, तो मैं इसको एक मार्क 8 इंच पर करूँगी इस तरह बस। आप अगर तंग पहनना पसंद करते हैं यानी कि छोटा गला पहनना पसंद करते हैं तो आप 7 पर भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा डीप पहनना चाहते हैं तो 8.5 पे कर दें बस, 8.5 इनफ है, 8.5 से 9 नहीं हो, 8, 8.5, 7.5 बस, ये 3 जो साइज़ हैं ये इनफ होते हैं, इससे ज़्यादा तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर निशान लगा ली है। अब मैं इसको करूँगी स्टिचिंग यहाँ पर। यहाँ सिलाई लगाने से पहले हम सिलाई लगाएंगे इस साइड पर, तो हम इस कमीज़ के पल्ले को इस तरह पलटेंगे। इस तरह पलटने के बाद इसे प्रेस करेंगे। और एक चॉक की मदद से हल्का सा निशान लगा देंगे कि हमें सिलाई कहाँ लगानी है। तो पहले सिलाई यहाँ लगाएंगे, उसके बाद सिलाई ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हम सिलाई सिर्फ यहां तक लगाएंगे जहां पर हमने निशान लगाया था चौक से। अब इसकी सिलाइयों पे हल्की सी प्रेस कर देंगे। तो फाइनली मेरा एक चाइनीज़ कॉलर गला बनकर हो गया है रेडी। देखिए मैंने आपको कितना इजी फॉर्म में गला बनाना सिखाया है, मैंने आपको उलझाया बिल्कुल भी नहीं है कि हम इतने इंच पे ये पट्टी रखेंगे और इतने इंच पर ये रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतना मुश्किल ये गला नहीं है जितना मुश्किल हमें लगता है जो न्यू लोग हैं जो बनाना चाहते हैं।
आप सब सेम इसी तरीके को इस्तेमाल करना, इंशाल्लाह आपका गला भी इतना ही सफाई से और इतना ही ब्यूटीफुल बनेगा। मैंने इसमें इस्तेमाल किया है ऑर्गेन्जा का, जिसकी मैंने झालर बनाई है। आप चाहें तो इसमें कोई लेस भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, बहुत इंतज़ार से वीडियो देख रहे हैं, बहुत शौक से वीडियो देख रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। जो लोग न्यू हैं, आप सबका वेलकम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। कोई भी आप लोगों को मुझसे पूछना है कि आप मुझसे कहना चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस पर हो, जो भी सीखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह आपके बताए हुए कमेंट पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। जो कुछ सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी है, तो इंशाल्लाह हम उसी पर वीडियो बनाएं। मैंने ये जो गला बनाया है, मैंने ये गला आप सबके बेशुमार कमेंट्स में बनाया है। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ आप ये चाइनीज़ कॉलर गला अपने स्टाइल में बनाना सिखा दें और आसान से आसान करके ये गला सिखा दें। तो आप सबकी रिक्वेस्ट के ऊपर, बहुत ज़्यादा कमेंट्स के ऊपर, जो कि मुझे अच्छे भी लग रहे थे, आप सब मुझसे उम्मीद ये रख रहे थे कि मैं आपको अपने अंदाज़ में सिखाऊँ, तो आप सबकी ये मैंने फरमाइश पूरी करी है। आपके सामने ये गला मैंने बनाया है, कितने आसान तरीक़ों से ये गला मैंने बनाया है। उम्मीद करूँगी आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर आप इसका फुल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, यानी कि रिव्यू जानना चाहते हैं, तो मेरे सेकंड चैनल पर आ जाए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका नाम है ड्रेस आइडियाज विद सदफ। उस पर आप आएंगे, आपको इसकी शर्ट की फुल लुक मिलेगी, गला, आस्तीन, चौक किस तरह का है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।